गाइज़ वेलकम टू माई चैनल। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन का रिव्यू कर रही हूँ, और ये रिव्यू तब हो रहा है जब मेरी बेबी ने अभी इसे पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, यानी कि मैंने उसे अभी जस्ट दिया है तो ही मैं रिव्यू कर रही हूँ। और ये ऑलरेडी मैं इसे दे चुकी हूँ, दूसरी बार दे रही हूँ, और ये डॉक्टर ने ही सजेस्ट करा है। तो आप बिना डॉक्टर के सजेशन के थ्रू कभी भी मत दीजिए बच्चे को कुछ भी, हमेशा डॉक्टर एडवाइस नीडेड है। तो ये मेडिसिन है बैंडी प्लस, और ये है 10 ml की मेडिसिन है, और इसमें स्पेशली डॉक्टर ने लिख कर भी दिया है रात में। ये जो मेडिसिन स्पेशली बच्चों को हम तब देते हैं जब उनके पेट में बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, बच्चे खाना नहीं खाना चाहते हैं, बहुत इरिटेट रहते हैं, बार बार शिकायत करते हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। इस तरीके के साइन अप जब भी देखें तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से संपर्क करें, या फिर आप इस तरीके की कीड़े मारने की दवा ज़रूर दें। और ये दवा आपको 6 मंथ में सॉरी 1 ईयर में 6 मंथ 6 मंथ करके देनी होती है, यानी कि साल में 2 बार देनी होती है। और ये मेडिसिन है पूरी की पूरी 10 ml की, और मेरी बेबी है 3 ईयर्स की, तो डॉक्टर ने कहा था पूरे 10 ml एक बार में देना, बिकॉज 10 ml सिर्फ 2 स्पून ही होता है। सो मैं इसकी प्राइसिंग की बात बता देती हूँ कि कितना है। और इसे देने से पहले आप इसे अच्छे से शेक कर लीजिए, उसके बाद दीजिए, और इसे प्रेगनेंसी के टाइम में बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। इसकी जो प्राइसिंग पे हमने करी वो करी 3500 रुपये, और ये है 10 ml, तो उसे पूरे के पूरे एक बार में पिलाया गया है। ये बच्चों को तब दी जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब वो बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, या तो कभी कभी उनके पेट में राउंड वॉर्म्स या फिर टेप वॉर्म्स इन्फेक्शन हो जाते हैं बच्चों में, तभी से देते हैं। और ये जब बच्चों को देते हैं तो बच्चे की जो पहले की खोई हुई एनर्जी है वो वापस आ जाती है, क्योंकि उनके जो पेट के कीड़े हैं मैक्सिमम मर जाते हैं। इस वजह से देना ही चाहिए बच्चों को। और अगर आप बात करेंगे कि बच्चों को कब देना चाहिए, जो फिर 3 ईयर्स के बच्चों को आप 10 ml की डोज दे सकते हैं, और इसको आप री रिपीट भी कर सकते हैं, आफ्टर 14 डेज भी आप री रिपीट कर सकते हैं। और अगर बच्चे को इससे कोई आयोडीन सिंसों की ज़्यादा कुछ दिक्कत होती है, और अगर कोई बात पूछ सकता है ऐसे कि बच्चों को ये कब देना है, तो बच्चों को ये देना है मुंह से देना है, और इसमें वैसे भी फूड सच एस मिल्क कंटेन होता है, इसमें फैट कंटेनिंग मिल्क होता है जो कि बच्चों को बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर देता है। और इन केस अगर बच्चों को वॉमिटिंग हो जाती है विद इन 30 मिनट्स ऑफ टेकिंग, तो सेम डोज आपको फिर से थोड़ी देर के बाद देनी है, या फिर नेक्स्ट डे देनी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने उल्टी कर दी तो आपको इसे नहीं देना है, बच्चों को देना ही देना है। कभी कभी किसी बच्चे का बिहेवियर अलग तरीके से बिहेव आपको दिखाई दे सकता है। तो ये यूज़ेस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या यूज़ है, कि बच्चे के जब भी पेट में दर्द हो, स्पेशली ये जो इसकी ट्रीटमेंट का जो मेन चीज़ है वो ट्रीटमेंट होता है वॉर्म इन्फेक्शन के लिए। और ये बेनिफिट ये होता है कि इससे क्या कि बच्चों के कीड़े पेट के मर जाते हैं, जिनसे अगर जैसे कि उनको कभी खाने की मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो बहुत ढीले ढीले से बच्चे रहते हैं, उस केस में आप देख सकते हैं बच्चों की, ये आगे तक भी आपको देना होता है। आई थिंक 14 ईयर्स तक दे सकते हैं आप, एग्जैक्टली मुझे मतलब एज नहीं पता, लेकिन इसके मैं कुछ साइड इफेक्ट आपको बता देती हूँ, कॉमन साइड इफेक्ट जो कि हो सकता है उल्टी, नौजिया, डिजीनेस, हेडेक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट्स हो सकता है, हेयर लॉस, फीवर, सोर थ्रोट, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये साइड इफेक्ट्स बच्चों में हुए हो, क्या पता हो सके। तो इसलिए कहते हैं कि ये कोई भी मेडिसिन आप बिना किसी के भी वीडियो देख के मत दीजिए, और हमेशा ये कहते हैं कि ये इस तरीके की मेडिसिन आपको बच्चों को हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके देनी चाहिए। और कभी कभी आपने अगर जैसे कि अपने इसकी डोज अगर मिस आउट कर दी, तो ऐसा कुछ भी नहीं, जब भी आपको याद आ जाए तभी से आप डॉक्टर से एडवाइस लेके डबल डोज कभी भी नहीं देना है बच्चों को, जैसे कि अभी आपने दिया फटाफट वैसे नहीं देना। जैसे बच्चे ने उल्टी कर दी तो आपको कुछ दिन के बाद अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट डे दे सकते हैं या फिर नेक्स्ट वीक दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि बच्चे को लगातार में नहीं दीजिए, जैसे कि बच्चे ने अभी आपने दे दिया उसके बाद आपने अगले दिन ही फिर से दे दिया, ऐसा नहीं देना है। 15 दिन के अंदर आप रिपीट कर सकते हैं, या फिर 15 दिन नहीं तो कम से कम आपको 6 मंथ 6 मंथ पे ही देना है। 2 साल का बच्चा हो चाहे 3 साल का बच्चा हो, तो मेरी बेबी 3 साल की, उसे मैंने 10 ml की पूरी पिला दिए, और आपको रात में ही देना है। सो आई रियली होप कि ये शॉर्ट रिव्यू आपको यूज़फुल लगा हो, और मैं शॉर्ट रिव्यू के साथ आपको दिखा भी देती हूँ बॉटल कैसी होती है। ये रही बॉटल, कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी, और ये देख सकते हैं पूरी की पूरी खाली बॉटल है। तो इसने जस्ट अभी थोड़े पहले कंज्यूम करा हुआ, ये रहा दिखा देती हूँ, ये रहा ख़त्म हो चुका है। ख़त्म के बाद मैं वीडियो बना रहा, ऐसा कोई भी मैं वीडियो नहीं बनाती जो
मैं अपने बच्चे को ट्राई ना करूं और आपके बच्चे. सो थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग. बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर चाइल्ड. बाय, टेक केयर.